अरे तेरा राह देख रहे हैं, अभी तक घूंघट निकाला नहीं है। मजे मजे, ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, मजे ही मजे। तो गाइस यही अपनी है, और ये अपने भाई के भाई के भाई के भी मजे मजे। गणपति अप्पा बोरिया, मंगल मूर्ति बोरिया, भोले अंबे माते की जय, हर हर महादेव। तो गाइस आप देख सकते हो कितने सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो और भी लोग हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later, तो गाइस आपने बराबर गेस किया, हम पहुंच चुके हैं आरी के शोरूम में। टी-शर्ट भी पहने तो निर्भय, आप जानते हो अतुल, अतुल इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, लेकिन हम पहली बार सामने सामने मिले। सो दिस इज रोहित, हमारी पहचान यहीं पे होती। सो गाइस यही अपनी है, छुपी है अभी। दिस इज शुभम भाई, इन्होंने हमारी हेल्प की, ये हमारे अभी पीछे लगे हैं भाई, जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों की आज डिलीवरी इनकी। आई अंडरस्टैंड होली है, होली के दिन इट्स ऑस्पिशियस ओकेशन, तो बहुत सारे लोग आए। ये हमारी फैमिली छोटी पुर की, जॉय, जॉय का बेटा, जॉय का बेटा, व्हाट्स योर नेम, योर नेम सनव, जॉय का साला, जॉय की बीवी, जॉय की बीवी और जॉय की साली। सो गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब इतनी महंगी बाइक पहली बार खरीद रहा हूँ ना, इसीलिए। तो चलो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, हम उसका घूंघट हटाएंगे। शादी हो गया है ये, और ये भाई का शादी हो गया, पहले 1000 किलोमीटर इसी पे गए, पहले 1000 किलोमीटर गाइस। रोहन आ गया। अरे तेरा राह देख रहे हैं, अभी तक घूंघट निकाला नहीं है। दुल्हन को छुपा के रखा है, बोला तू आएगा बाद में। दुल्हन को छुपा के रखा है, विनोद ऑन सेट भी है, और पूरा फैमिली है। फैमिली किधर है? फैमिली अंदर है, मतलब माइनर वाइफ नहीं है, वाइफ नहीं है। डिलीवरी पे डिलीवरी, मजे ही मजे। ये गाड़ी लेके जा रहे, वो गाड़ी लेके जा रहे, मजे ही मजे। तो गाइस देखिए, वन मोर एडिशन टू आरी फैमिली, और एक हैप्पी कस्टमर आरी का। बस ये सर्विस अच्छा दे तो हमेशा के लिए हैप्पी रहेंगे। बात तो सही है। तो गाइस रोहन भाई पूछ रहे हैं कैसे फील हो रहा है यार, क्या फील हो रहेगा, पहली बार इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहा हूँ, वो अच्छे लगेगा। आप देख सकते हो एक के पीछे दूसरी, दूसरे के पीछे दूसरी, इतनी सारी डिलीवरीज है आज होली के लिए, और ये सब लोग परेशान हो चुके हैं। गाड़ी की डिलीवरी पे डिलीवर हो गया, वो गाड़ी एक डिलीवर हो गई, ये एक गाड़ी डिलीवर हो रही है, इधर एक पीछे पड़ी है, ये देखो जिसकी भी गाड़ी है मजे ही मजे, बेंच चौथ गाड़ी चलाओ मजे ही मजे, रॉयल इनफील्ड वालों के भी मजे ही मजे, गाड़ी पे गाड़ी बिक रही है उनकी भी, देखो भाई कितना खुश है, देखो डिलीवरी पे डिलीवरी मार रहे रॉयल इनफील्ड वाले भी, ये देखो और एक टीम आ रही है, कुत्ता लेके आए, कुत्ता भी बहुत खुश हो गया, मजे ही मजे, कुत्ते की भी मजे ही मजे। ये देखो अभी गाड़ी को पैक कर रहे, चलो। और ये अपने भाई के भाई के भाई के भी मजे ही मजे, फुल राइड पे। देखिए और एक गाड़ी रेडी हो गई है, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हाँ मस्त नंबर है, कलर सुपर है, हंटर ना, हंटर लेते हैं मतलब सिटी के लिए, प्रत्येक ट्रिप ला पंक्चर फिक्स है। हाँ क्या आरी में इशू है? नहीं मैं वो करने वाला हूँ, पंचर वाला, पंचर वाला
ट्यूबलेस बनाते ना, और मैं वो खुद करने वाला हूँ, और मैं खुद करने के बाद शायद से मेरे को ऑर्डर भी आ जाएंगे, देखते हैं। एक अच्छा बिजनेस की स्कीम मिली मेरे को हिमालयन को ट्यूबलेस बनाने की। पैसा ही पैसा होगा। एट लास्ट द मोमेंट हैज कम। हम लोग रुके थे और एक बंदे के लिए, लेकिन उसको लेट हो रहा है, जॉय को लेट हो रहा है। जॉय काफ़ी सुबह से मतलब निकला है, तो अभी हम लोग जॉय को रिलीज़ करते हैं, मतलब हमारे घूंघट का दुल्हन उठाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, इसके दर्शन कराते हैं। सॉरी, हमारी दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं। अरे एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट, घूंघट का दुल्हन उठाते हैं। और योगेश भाई कैसा लग रहा है? स्माइल देखो, भाई का स्माइल देखो, अल्फाज कम पड़ रहे हैं बयान करने के लिए। भाई का स्माइल देखो, अभी भाई बाइक स्टार्ट करेगा। ये कलर कुछ अलग लग रहा है, वाइट अलग आता है, ब्लैक अलग आता है, बट ये क्रीमिश कलर लग रहा है, मस्त लग रहा है कलर ये। रेव कर ना थोड़ा सा, रेव कर, बस बस बस। योगेश भाई को ये बाइक प्रॉपर सूट हो रही है, योगेश भाई की हाइट भी है, गाड़ी भी लंबी है, हाइटेड भी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, और क्या चाहिए। इसके पहले योगेश भाई अपना FZ25 चला रहे थे, और अब ये हिमालयन 450 न्यू मॉडल। बहुत बड़ी लगती है गाड़ी, मास्टर बच्चे का भी समझ। तो ऐसे कुछ गाड़ी के डिलीवरी हम ले चुके हैं। अभी एक्सेसरीज का क्या सीन है इसका? एक्सेसरीज में अभी मैंने ये रेडिएटर ग्रिल से कंपनी से लिया, बाकी सब ओरिजिनल है, जैसे कि वैसे स्टॉक है पूरा। अच्छा, वो प्लास्टिक का आता है क्या? प्लास्टिक का बोर्ड 805 करेगा तो और नीचे आएगा। सो गाइस, एट लास्ट अपनी दुल्हन आ चुकी है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई डोंट नो, फीलिंग जो मैं ना बयान नहीं कर सकूंगा वर्ड्स में। सो गाइस, मैं भी इनको बताने आया था कि मैंने दिखा ऑलरेडी कि आगे के रिम में एक छोटा सा स्क्रैच है, और ये जो क्रैश गार्ड है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे भी है। तो उन्होंने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, आप डिलीवरी ले जाओ और 2-3 दिन के बाद आके वो चेंज कर लेंगे। टेक केयर, थैंक्स फॉर कमिंग गाइस। निर्भय भाई थैंक यू यार, किधर से आया? पेंट से, ये बोरीवली से आया। तो गाइस ऐसे ही है हमारे भाई लोग, दूर दूर से आते हैं, और ये सबसे दूर से आया थाने से, बहुत ज्यादा दूर से। वो आएगा इधर, वो डायरेक्ट गाड़ी भुर 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 करके आएगा। अरे वो कौन किधर गया? योगेश भाई किधर गए? अरे योगेश भाई किधर गए? रोहन भाई थैंक यू वेरी मच, अपकमिंग जर्नी, थैंक यू आने के लिए। साथ में और बढ़िया बढ़िया राइड करेंगे। सात तारीख को देखते हैं, अभी 500 किलोमीटर है, 500 पे पहली सर्विस है। हाँ जेली भाई, चलो गाइस, सबसे पहले हमको जाना है पेट्रोल पंप पे। बाय 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 गाइस। सो गाइस, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड होने के लिए टाइम लगेगा, ज़्यादा कुछ रश हमको करना नहीं है, क्योंकि नई गाड़ी है। जब तक हम इसके नखरे समझते नहीं है, नई दुल्हन के नखरे जब तक नहीं समझो, ज़्यादा टेंशन मत लो। इसका गियर रेशियो भी कैसा है, कैसे हमको है ना, एक जापानीज गाड़ी चलाने की आदत है, उसका गियर रेशियो अलग है, इसका गियर रेशियो अलग है, तो वो समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। वो समझने के बाद हम इसके असली जलवे देखेंगे। गाइस हम घर आ चुके हैं, अभी पूजा वूजा करेंगे।
few moments later. सो गाइज़ हमारे हिमालयन घर आ चुकी है और दो तीन दिन चले गए इस पर. तो होली के दिन हमने डिलीवरी ली थी और उसके बाद हमको टाइम ही नहीं मिला वीडियो शूट करने के लिए. तो जब तक इसका नाम नहीं रखते हम इसे हिमालय नहीं बोलेंगे. तो अभी हमारा सबसे पहला टारगेट है इसके 500 किलोमीटर पूरे करने हैं, क्योंकि जब तक हम 500 किलोमीटर पूरे नहीं करते हम इसे हाईवे पे इसके मज़े नहीं ले पाएंगे. 3,500 के RPM पे ही चलाएंगे, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे. जब तक इसका ब्रेक पीरियड नहीं खत्म होता है मज़े नहीं ले पाएंगे. तो 500 किलोमीटर का टारगेट अभी पूरा करना है और उसके बाद इसका सर्विस करेंगे और फिर इसके मज़े लेंगे. तो मैंने वीडियो उस दिन मैं बंद नहीं कर पाया, तो इसीलिए आज ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा. पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मेरे को हेल्प करता है. तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद. जिसमें हम जो जो एक्सेसरीज इसमें लगा रहे हैं वो सब बता देंगे. मैं एक तो है इसका स्क्रैच गार्ड जो हमने स्क्रीन पे लगाया है, हमने GPS लगाया है मतलब ट्रैकर, इन केस अगर थेफ्ट वगैरह होता है, कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो हमें एटलीस्ट पता चले हमारी गाड़ी का लोकेशन क्या, उसके साथ क्या हो रहा है.